हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो। मैं हूं अंकित दुबे और आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं टोयोटा हाइलक्स के बारे में। जी हां, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी हाइलक्स पिकअप ट्रक को पेश कर दिया है। खैर, इसकी कीमत का खुलासा इस साल मार्च में किया जाएगा। ब्रांड ने वर्तमान में अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आगामी हाइलक्स के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी लेना शुरू कर दिया है। टोयोटा हाइलक्स को केवल डबल कैब वेरिएंट में पेश किया गया है और साथ ही ये मौजूदा टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर के साथ अपने मूल तत्वों को साझा करता हुआ नजर आएगा। इसे IMV2 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और काफी कुछ चीजें इसमें इनोवा क्रिस्टा से उधार ली गई हैं। कार में सेफ्टी की बात करें तो इसमें एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, टाइगर एंगल मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक मिलेगा और साथ ही इस पिकअप ट्रक को 700 mm तक पानी में भी चलाया जा सकता है। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इस पिकअप ट्रक को 5-star रेटिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। टोयोटा हाइलक्स के अगर हम सबसे पहले एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें बड़ी हेक्सागनल ग्रिल के साथ स्वेप्ट बैक LED हेडलैम्प के साथ LED DRLs मिल जाते हैं और साथ ही इसमें नया बम्पर इसे टॉल एंड एंगुलर लुक्स देते हुए नजर आते हैं। गाड़ी में 18 इंच के अलॉय व्हील्स, फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस, साइड स्टेप, बॉडी क्लैडिंग और रगेड लुक के लिए SUV जैसा स्टांस देखने को मिल जाता है और साथ ही LED टेललाइट्स के साथ ब्लैक्ड आउट विंग मिरर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इंटीरियर की बात करें तो टोयोटा हाइलक्स का इंटीरियर टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, जो कि भारतीय बाजार में इस समय बिक रही है। ऑल ब्लैक केबिन वाला लेआउट देखने को आपको मिल जाता है, जो कि फॉर्च्यूनर से इंस्पायर्ड है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है। इसके अलावा इसमें JBL का साउंड सिस्टम मिल जाता है, जो कि 8 स्पीकर्स के साथ आता है। वेंटिलेटेड सीटें, क्रूज कंट्रोल, 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, एप बेस्ड कनेक्टेड कार फीचर्स और वायरलेस चार्जर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। टोयोटा हाइलक्स के अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 201 bhp की पावर देता है और साथ ही 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। टोयोटा विभिन्न ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4x2 और 4x4 दोनों मॉडल्स में पेश कर सकती है। हाइलक्स को स्थानीय रूप से कर्नाटक में टोयोटा के बिदादी प्लांट में बनाया जाएगा और इसमें 30% तक लोकलाइजेशन बताया जा रहा है। टोयोटा हाइलक्स का मुकाबला सीधा इसुजू D-Max V-Cross से होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, जो कि टोयोटा हाइलक्स के बारे में जानना चाहते हैं।